हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब चैनल। स्ट्रेटेजी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ऑल हाई चल रहा है, जब सर्किट स्टॉक होता है तो सर्किट अंदर डाउनसाइड भी लगता है कभी कभी, इसलिए ऑन द वे आप बेचते रहिए। एक स्ट्रेटेजी मैंने देखा है, टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड, वर्क्स और मुनाफा मिलता है। हाँ, आपको लगेगा कि थोड़ा और मिल सकता था, जितना हो, ग्रीड का तो एंड है ही नहीं ना। तो प्रॉफिट बुकिंग करना, बोलते ना, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। प्रॉफिट बुकिंग करना एक अहम पॉलिसी होना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं तो। अगर आप निवेशक हैं तो फिर तो होल्ड किए, लेकिन मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग का एक मोड होना चाहिए। तो अभी नहीं, लेकिन आपको राय यही दी गई है कि आप तेजी जैसे जैसे मिलते रहे वैसे वैसे आप निकलते रहें, वो ज्यादा बेटर रणनीति है। तो हर तेजी में आप निकले वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन बनेगी। अपर सर्किट पे शेयर ऑलरेडी चल भी रहा है। बहुत बहुत पहले शुक्रिया व्हाट्सएप गावस। के जरिए हमसे सुशील जी ने पूछी है, जयपुर से इनका सवाल आया है। ट्राइडेंट पे राय जानना चाहते हैं, 500 शेयर्स होल्ड करते हैं और 55 की इनकी खरीद है। शर्मिला, आपकी कोई राय है ट्राइडेंट पे, क्योंकि ये जो काउंटर है इसमें हम सिर्फ सर्किट्स लगते हुए ही देखते हैं, या तो ऊपरी सर्किट या तो नीचे का सर्किट। आज 55 रुपए के आसपास ही अपर सर्किट पे स्टॉक लॉक इन है। क्या राय होगी आपकी ट्राइडेंट पे? मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। यस, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है स्टॉक, लेकिन अगर आप यू नो द लेवल दैट इट इज एट एंड जिस तरह के वैल्यूएशंस पे वो ट्रेड कर रहा है और ओवरऑल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सेक्टर गोइंग अहेड, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि वो बने रह सकते। ट्राइडेंट को होल्ड करने की सलाह, 5% के अपर सर्किट पर स्टॉक आज भी है और इसमें अभी भी बने रहने की सलाह है। चलिए अगले